नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है, यह एक सत्य है। और दूसरा सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम लोग पोषण में शरीर के लिए तरह तरह का खान पान के पदार्थ ढूंढते हैं, उनको कहीं से पाना चाहते हैं। समस्या इस बात में ये आती है कि इतने तरह के आहार आपको मालूम पड़ जाते हैं खाने के लिए कि किसी से कुछ होता है पोषण, किसी से कुछ पोषण मिलता है, किसी से विटामिन मिलता है, किसी से कैल्शियम, किसी से आयरन, किसी से जिंक, किसी से पोटेशियम। इस तरह इतनी आपके सामने तथ्य रख दिए जाते हैं कि अल्टीमेटली होता यह है कि कुछ भी नहीं खाते उनमें से, और जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चलती रहती है। हम आपको बताएंगे साथियों इस वीडियो में एक ऐसा खाने का पदार्थ, एक ऐसी खाने की सब्जी जो संपूर्ण आहार है, उसको खाने के बाद आपके शरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, किसी मिनरल न्यूट्रिएंट विटामिन की कमी नहीं होगी, ये लगभग निश्चित है। क्योंकि यह बहुत जरूरी है, हम लोग इस बात को काउंटर करने के लिए तमाम प्रोटीन पाउडर बाजार से खरीद के लाते हैं, तमाम सप्लीमेंट खरीद के लाते हैं, यह जानते हुए भी जो कुदरत ने हमको दिया है उससे ऊपर जो हम बाजार से 1400-1500 का डिब्बा खरीद के ला रहे हैं, वो उसका नाम मात्र पोषण भी नहीं दे सकता। और अगर आपको सलाह दी जाए एक ऐसी सब्जी की जो आपके बाजार में, आपके घर के बगल में उपलब्ध है, आपके घर के करीब उपलब्ध है, जिसको और वो सस्ती सब्जियों में है, मैं 250 रुपए की ब्रोकली की बात नहीं कर रहा हूं, वह सस्ती सब्जियों में है, लेकिन हम लोगों को मालूम ना होने के कारण, उसकी जानकारी ना होने के कारण हम उसको सेवन से रह जाते हैं। एक बहुत बड़ा कुदरत का फायदा है, उससे हम बच जाते हैं। हम आपको बताएंगे ऐसी सब्जी जो आपके पड़ोस में उपलब्ध है और जो जिसका कि आयुर्वेद में सर्वोत्तम स्थान है। जी हाँ, अब चलते हैं साथियों उस सफर पे जिस पे आपको बताते हैं ऐसी आपके शरीर को पोषण करने वाला संपूर्ण आहार, जो कि एक चीज आपके पूरे खान पान को सप्लीमेंट कर देगी और आपको दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुदरत के इस करिश्मे से अभी हम आप, हमें भी जब तक नहीं मालूम था तब तक हम भी, और अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप भी अभी तक इससे दूर रह पा रहे। बहुत साथियों अद्भुत सब्जी है जिसको का नाम है सहजन। सहजन यानी मुनगा। सहजन ऐसी सब्जी है साथियों, ऐसा या एक वनस्पति है जिसका कि फली, पत्ती, उसका बार्क, उसका जो है हर चीज, फल, हर चीज आपके काम आती है। हम आपको बताते हैं साथियों इसके विषय में एक ऐसा तथ्य जो आपको यह जानने मानने को मजबूर कर देगा कि वास्तव में यह कंप्लीट फूड है। सहजन में साथियों, जो सहजन का फल होता है, इसमें गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है। जी हां, गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए इसमें पाया जाता है। सहजन में दूध से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सहजन में दही से 4 गुना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सहजन में संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, और सहजन में केले से 3 गुना ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है। जिस वनस्पति में इतना ज्यादा पोषक तत्व हो, जो कि गाजर से
ज़्यादा जिसमें कि विटामिन ए पाया जाए, संतरे से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाए, दही से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाए, दूध से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाए और केले से ज़्यादा पोटेशियम पाया जाए। तो ऐसे फल को शायद हम लोग आज तक नज़रअंदाज करते रहे हैं। सहजन की सब्जी, साथियों, मैं लखनऊ से आपको बात कर रहा हूँ, यहाँ 20 रुपये किलो यहाँ सब्जी मिलती है और इसका खरीदार कोई नहीं है। सब्जी वालों ने यहाँ सब्जी लाने से बंद कर दिया क्योंकि इसके बारे में ना कोई जानता है ना इसका खरीदार है। लेकिन जो मैंने अभी आपको औषधि बताई, मुझे लगता है कि ये तथ्य से ज़्यादा आपको जानकारी की ज़रूरत नहीं है। सहजन, साथियों, जोड़ों के दर्द में बहुत लाभकारी होता है, आपके टिश्यू के रिजुवेनेशन में बहुत लाभकारी होता है, स्किन को टाइट करता है, कोलेजन का डिस्ट्रप्शन को बंद करता है, आपके कैल्शियम का बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, आपके किडनी ट्रबल्स का बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, यह आपके गुर्दे में पथरी नहीं पड़ने देता है, पित्ते में पथरी नहीं पड़ने देता है, और अगर कोई पथरी गुर्दे में आई है या पेशाब की नली में है तो उसको यह तोड़ के निकाल देता है। सहजन वह फल है जो आपको ऊर्जा देता है, ताकत देता है। इस तरह इसके तमाम इस्तेमाल हैं साथियों। तो आप और आपका परिवार, आपका बच्चा इससे वंचित ना रहे, मैं ये चाहता हूं। सहजन में, साथियों, गोंद भी पाया जाता है जो आपको आर्थराइटिस होने से रोकता है। भविष्य की जो आर्थराइटिस, जो कि लगभग हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में इस वक्त होने वाली है, इस फल के सेवन से रुक जाएगी, यह लगभग निश्चित है। ऐसा अचूक नुस्खा, साथियों, ऐसी अचूक सब्जी, आप बताइएगा हमको, आप आज तक इसका इस्तेमाल करे हैं कि नहीं। अब हम बताते हैं साथियों आपको इसका सूप तैयार करने का घरेलू नुस्खा। एक डॉक्टर होने के हिसाब से हमारा ये काम नहीं है कि हम आपको सूप बनाना बताएं, लेकिन क्योंकि एक बहुत चमत्कारिक सब्जी की बात हुई है तो उसके विषय में आपको इस्तेमाल करना बता देना भी इस पॉइंट पे उचित है। इसका सूप, साथियों, सहजन यानी मुनगे का सूप बनाने के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपको 2 गिलास पानी लेना है, उसको एक सॉसर में यानी भगोने में डाल लेना है, उस पानी को हीट कर लेना है, गर्म कर लेना है। जब वह पानी खोलने लगे तो यह जो कटा हुआ सहजन का फल है, इसको आपको महीन महीन काट के उस पानी में डाल देना है। जब आपका यह 2 गिलास का पानी 1 गिलास रह जाए, यानी पानी आधा रह जाए, तो आपको इसको गैस से उतार लेना है, फ्लेम से उतार लेना है, इसको थोड़ा सा कूल कर देना है, और जब ये थोड़ा कूल हो जाए तो इसमें आपको थोड़ा सा नमक और शहद डाल के इस सूप को पी लेना है। आपको इससे बहुत लाभ होगा, आपकी स्किन में लाभ होगा, आपका कोलाजन प्रोटीन जो है वह उसका डिस्ट्रक्शन खत्म होगा, आपके जोड़ों के दर्द में आराम होगा या जॉइंट्स की मोबिलिटी बहुत अच्छी होगी, आपका पेट बिल्कुल सही साफ हो जाएगा, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, अगर आपके पेट में या बच्चों के पेट में कीड़े हैं वहां इसके सेवन से निकल जाएंगे। इसमें, साथियों, एक तथ्य मैं और बताता हूं, जो ये सहजन का फल होता है इसमें ओलिक एसिड पाया जाता है जो कि मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है और आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। तो इसमें यह जो ओलिक एसिड है यह आपको बहुत काम करेगा, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इस तरह के तमाम औषधीय गुण सहजन में पाए जाते हैं, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि जो ये आप बाहर से प्रोटीन के पाउडर के डब्बे खरीद के लाते हैं 1,500, 2,000, 2,500, 4,000 रुपए के, यह पैसा आप बचाएं क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आप भी जानते होंगे जब आप किसी सब्जी को, फल को कहा जाता है कि आप अगर उसे पहले से काट के रख दो तो उसके सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो फिर आप ये कैसे समझ सकते हैं कि 6 महीने पुराना जो कोई डब्बा है प्रोटीन का पाउडर है उसमें वो गुण मौजूद होंगे। गुण उसमें हो सकते हैं लेकिन वह गुण आपके बॉडी को डाइजेस्ट करेंगे ये कैसे, इसकी संभावना इससे कम है कि आप ताजी फल को काट के जब आप उसकी सूप तैयार करते हैं उससे उसमें फायदे की संभावना कम है।
इसलिए आप सहजन का सूप पिए, आप इसका करिश्माई फायदा देखें, आपका यह सारे पोषण शरीर के कर देगा, सारे यूरिनरी ट्रबल खत्म कर देगा। आप इसको करिएगा साथी, और हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा कि आपको लाभ हुआ कि नहीं उस चमत्कारिक औषधि से, जिसमें कि गाजर से ज़्यादा विटामिन ए है, संतरे से कई गुना ज़्यादा विटामिन सी है, दूध से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम है, केले से कई गुना ज़्यादा पोटेशियम है, और दही से कहीं ज़्यादा प्रोटीन है। ऐसा अद्भुत नुस्खा है ये साथियों, इसको करिएगा, हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा आपकी ऊर्जा बढ़ी इसको लेने के बाद की नहीं। मन में कोई क्वेरी हो साथियों, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोटिफिकेशन पैनल में दिया है, आप अपनी क्वेरी को हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें आपके सवाल का जवाब देने में प्रसन्नता होगी। निवेदन है साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन क्लिक करके यूं ही हमारे साथ दिल से जुड़े रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक ये कामना करता है कि आपका जो मेहनत का पैसा है यह इस तरह बर्बाद ना हो के आपके बच्चों की पढ़ाई में, तालीम में लगे, और जो आपके शरीर और आपके बच्चों के शरीर में पोषण की कमी है आज के दौर में, वह कुदरती खान पान जैसे कि आज सहजन यानी मुनगा के बारे में बताया गया, ऐसी चीज़ों से आपका खान पान पूरा हो। धन्यवाद।